Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जिस तरह स्त्री और पुरुष एक समाज में रहते हैं, उसी तरह इस दुनिया में किन्नरों का भी एक समाज है। मनुष्य जाति की तरह ही किन्नरों में भी दो प्रकार के किन्नर होते हैं, एक पुरुष और दूसरा किन्नरी। इसे भी किन्नर पुरुष ही कहा जाता है। मनुष्य जाति में हम सभी जानते हैं कि स्त्री और पुरुष होते हैं। उनके जन्म की बात भी हम जानते हैं कि कैसे होती है उनकी उत्पत्ति, लेकिन किन्नरों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इसे हम में से बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं किन्नर समाज के इतिहास की, कि कैसे हुई किन्नरों की उत्पत्ति। बहुत पहले प्रजापति के यहाँ एक ईल नाम का पुत्र था। बड़ा होकर यही बड़ा ही महात्मा धर्मात्मा बना। कहते हैं राजा ईल को शिकार खेलने का बहुत शौक था। इसी शौक के कारण राजा ईल अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार करने वन को गया। जंगल में राजा ने कई जानवरों का शिकार किया, लेकिन इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा और वो शिकार करना चाहता था। इसी चाहत में वो जंगल में आगे बढ़ता गया और उस पर्वत पर पहुंच गया जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विहाग कर रहे थे। कहते हैं भगवान शिव ने माता पार्वती को खुश करने के लिए खुद को स्त्री बना लिया था। जिस समय भगवान शिव ने स्त्री रूप धारण किया था, उस समय जंगल में जितने जीव जंतु पेड़ पौधे थे, सभी स्त्री बन गए थे। चूंकि राजा ईल भी उसी जंगल में मौजूद था, सो राजा ईल भी स्त्री बन गया और उसके साथ आए सभी सैनिक स्त्री बन गए। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि भगवान शिव के कारण वो सब स्त्री बन गए हैं, तब राजा ईल और ज़्यादा चिंतित और डर गया। अपने इसी डर के कारण राजा भगवान शिव के चरणों में पहुंचा, जहां उसने भगवान शिव से अपने आप को पुरुष रूप में परिवर्तित करने की अपील की। राजा ने अपनी सारी कहानी बताकर अपना पुरुषत्व वापस लौटने का वरदान माता पार्वती से मांगा, लेकिन माता पार्वती ने राजा से कहा कि तुम जिस पुरुषत्व का वरदान चाहते हो, उसके आधे हिस्से के दाता तो खुद महादेव हैं, मैं तो सिर्फ आधा भाग ही दे सकती हूँ। यानी तुम आधा जीवन स्त्री रूप में और आधा जीवन पुरुष के रूप में व्यतीत कर सकते हो। अतः तुम कब स्त्री रूप में और कब पुरुष रूप में रहना चाहते हो, यह सोचकर मुझे बता दो। तब राजा ने सोचकर माता पार्वती से कहा, हे माँ, मैं एक महीने स्त्री के रूप में और एक महीने पुरुष के रूप में रहना चाहता हूँ। इस पर माता पार्वती ने तथास्तु कहा और राजा ईल से कहा कि जब तुम पुरुष रूप में रहोगे तो तुम्हें अपना स्त्री रूप याद नहीं रहेगा, और जब तुम अपने स्त्री रूप में रहोगे तो तुम्हें अपने पुरुष रूप का कुछ भी याद नहीं रहेगा। इतना होने के बाद भी राजा के सारे सैनिक स्त्री के रूप में ही रह गए। कहते हैं कि वो सारे सैनिक एक दिन स्त्री ईला के साथ वन में घूमते घूमते चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंचे। तब चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध ने इन स्त्री रूपी सैनिकों से कहा कि तुम सब किन्न पुरुषी इस पर्वत पर अपना निवास स्थान बना लो, आगे चलकर तुम सब किन्न पुरुष पतियों को प्राप्त करोगे। इस तरह से हुई किन्नरों की उत्पत्ति। किन्नरों के बारे में सारी जानकारी विस्तृत रूप से वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.